अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल इशर फैमिली ब्लॉग। सो कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह से आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज हम जा रहे हैं वंडर पार्क, जो अभी जून में रीओपन हुआ है, 3 साल बाद उधर जा रहे हैं। देखते हैं कैसा है, फर्स्ट टाइम जा रहे गाइस, तो आपको उधर का सफ़र बताते हैं हमारा कैसा है। आज रेडी हो गया, सब रेडी हो गए, अम्मी शेजी लोग भी रेडी हो गए। गाइस मैं कैसी लग रही हूँ? एक रिक्शा में गए पापा और अम्मी और फूफी मेरे छोटे वाले, और दूसरे रिक्शा में गए शेजी, फिजू और सिमिन। बहुत लंबी लाइन है, बहुत ज्यादा लंबी लाइन है। अभी आपको क्यू दिखा दे, कितना ज्यादा क्यू है। फुल क्राउड है, टिकट काउंटर है और इधर देखिए कितनी लाइन है गाइस, बहुत लाइन बहुत लाइन। ये देखो गाइस बहुत लाइन है इधर। फाइनली आफ्टर 2 आवर्स बाद हमें टिकट मिल गई, सीन लेकर आ गई। यस मैं राइड्स नहीं रहते, राइड्स का नहीं है ना, क्लोज हो चुका है, हमें तो अंदर घूमना है। ये वंडर्स पार्क देखो, हम इधर 2 घंटे से बैठे थे। चंद कितना टाइम लगा? सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे ये है कि 2 काउंटर क्लोज रहता है, एक ही काउंटर ओपन है। हाँ उसी में वो बंदा बैठा है अकेला और हम पूरी पब्लिक। आराम से हो गया ना? हम लोग आ गए, हम लोग अभी आए, इन लोग पिछले लोग बेचारे 1.5 घंटे से खड़े। हाँ डेढ़, कुछ फायदा नहीं है, मना ना 2.5 घंटे से खड़े, एकदम वर्स्ट है। इधर आना जरूरी नहीं है, प्लीज मत आओ, बिकॉज क्या है पता है, इधर अभी इतना दूर से हम लोग सफर करके आए हैं, इसीलिए जा रहे हैं, वरना तो कभी नहीं जाएंगे, वर्स्ट एकदम। टाइम खड़े रहने का, चलो 25 रुपए के लिए इतनी बड़ी लाइन लगाओ। और पहली बार तो ऑनलाइन वगैरह का कुछ नहीं। और ये बहुत लोग शाने लोग, ये लोग बहुत लेट आए, हम लोग 2 घंटे के साथ खड़े, पता 2 घंटे से कितनी बड़ी लाइन है देखो। गाइस सीरियसली बोल, लाइन किधर है अभी? ये क्या है? ये देखो देखो पता देखिए। हां चलो, तो साइज मैंने ले लिया है, बोल रहे हैं चलो अंदर। 2 घंटा खड़े रहे हम लोग, 2 घंटा खड़े रहे, 3 बजे आना मिलता है, घूम लेते अभी क्या करेंगे, 1 बजे आना मिलता, तो चलो 1 बजे खुलता भी है तो 1 बजे क्या करेंगे। हाँ बोला उसने 1 बजे से आके खड़े रहने का। हाँ बाप रे, तो तुम लोग 8 बजे आना चाहिए था। नहीं मगर वो लोग बोलते तो चलो अभी अंदर। चलो अभी तो अंदर चलो, अंदर की भी लाइन है, चलो अंदर की भी लाइन है, ये राइड में बैठना है तो नहीं तो घूमो ऐसी फ्री। गर्दी अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। इधर से इतनी लंबी लाइन है, अभी एंट्री भी ढूंढना पड़ेगा। ये एंट्री इधर सामने, ये एंट्रेंस में भी लाइन है, ये देखो ये राइड्स के लिए लाइन है, मतलब इतनी लंबी लाइन राइड्स में के लिए। ए, नहीं रे राइड्स की लाइन नहीं है, ये किसकी है, मतलब क्या ये काउंटर की है, काउंटर की, अरे मतलब एंट्री फीस की है, राइड्स के लिए थोड़ी इधर लाइन रहेगी। नहीं रे अंदर मिलेगी राइड्स, कितनी अंदर की एंट्री की भी
ओ भाई एंट्रेंस को भी लाइन है क्या? देखिए कितनी भीड़ है, कितना क्यू है यहाँ पे, घुस घुस के देख रहे, घुस घुस के पब्लिक, बहुत क्यू है। सैटरडे को गाइस गलती से भी मत आना, फुल भरा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए कितना भरा हुआ है। बहुत क्यों है, हम लोग तो ऐसे बच बच के आए, पूछो मत, बहुत बच बच के आए हम लोग। सो यहाँ से स्टार्ट होता है गार्डन, ये पार्क यहाँ से इसकी एंट्रेंस है। और एंट्रेंस पे इतनी भीड़ थी कि एक पब्लिक ने जो टिकट चेक कर रहे थे उनको दबा दी। ये देखिए फैमिली अभी आगे जा रही है। फ्रेंड्स मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा इतनी क्यू देखा हूँ। यहाँ पे वेरियस राइड्स है लेकिन उसके लिए भी लंबी क्यू है। देखो कितनी लंबी क्यू है यहाँ पे, देखो सामने यहाँ पे कोई एक राइड है बट क्यू बहुत है यहाँ पे। अंदर ये इसका कुछ एंट्रेंस है। कैसा लगा इतनी भीड़ भाड़ में घुसना? नेक्स्ट टाइम से कभी नहीं ऐसे करूंगा। मंडे आना, मंडे खाली मिलेगा, मंडे एकदम पूर। दब दब के आया है ये, बहुत दब चुका है। फर्स्ट टाइम लाइफ का एक्सपीरियंस था, कोई पार्क में ऐसी एंट्री हो रही है दब दब के एकदम। मान लो ना टिकट वाले को तो मतलब दबा ही दिया जो टिकट चेक कर रहे थे, वो लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो गए बेचारे लोग। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लेफ्ट भी जा सकते हो एंड देन राइट भी जा सकते हो। ये फैमिली चल रही है आगे, अब मैं आपको आगे एक्सप्लोर कराता हूँ। यहाँ पे ना वाटर शोवर शो होता है और इवनिंग में अराउंड 7 PM को ये स्टार्ट होता है। और बीच बीच में इन लोग ब्रेक लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आगे आपको बताने वाला हूँ पूरा शो, वाटर शो जो स्टेडियम जैसा फील कराने के लिए। सामने आप देख रहे हो वहाँ पे सब लोग बैठते हैं और वहाँ से ये शो देखते हैं। तो देखिए 2-3 स्लाइड की टिकट बंद कर दी गई है बिकॉज ऑफ जो यहाँ पे लंबा क्यू है। आज सैटरडे को बहुत गलत टाइम पे आए हम लोग। अभी हम लोग सोच रहे कि लेफ्ट में जाने के राइट में, तो अभी राइट में जा रहे हैं। फिलहाल शाज को बहुत भूख लगी है तो उसे दूध पिलाएंगे। ये देखो कैसी हरकतें कर रहा है ये लड़का। शम्स तो देखो लेस खा रहा है। शम्स कौन सा लेस खा रहा है? वाह ये लगता कुछ नया है, दिखाओ पैकेज दिखाओ। ये देखिए लाइम क्रैकर लेस कंपनी का है। और यहाँ पे बैठने के लिए जगह है, इसमें पानी भी नहीं है। तो यही बात चल रही है 3 साल ये बंद था। आगे राइड्स है बट राइड्स भी 2-3 बंद हो चुकी है, इन्होंने मैं स्पीकर पे ऐलान किया है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं स्टारकेस के पास। फैमिली परेशान हो गई है, पर एकदम बकवास गार्डन है। ये देखिए पूरी फैमिली यहाँ पे आके बैठी है, सब लोग बैठे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बैठते हैं थोड़ी देर और देखते हैं फोटोशूट वगैरह। हमने फ्रेंड्स देखे, क्या हुआ, कैसा लग रहा है आपको? वर्स्ट एक्सपीरियंस। हम लोग ऐसा धक्का दे दे के घुसे हैं ना, क्या बताऊं। शाज को तो पिज़्ज़ा ने ऐसा उठाया घर के घुसी है राम रे, और शम्स का तो पता ही नहीं था हमारे। और राइड्स के चक्कर में आए थे, राइड्स के लिए इतनी लंबी लाइन है कोई जा नहीं पा रहा राइड्स में। और सब देखो यहाँ पे लाइन से बैठ चुके हैं। शम्स कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे, मज़ा आ रही है? शम्स देखो भागम दौड़ी तैयार शम्स की। और अभी मैं देखता हूँ इनका एक्सपीरियंस कैसा है। सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। इशरत आपका तो मिल चुका है,
एक्सपीरियंस शेयर करें। सैटरडे को आए ना इसके लिए। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ये काफ़ी परेशान हो गए थे बाहर 3 आवर्स वेट करने के बाद इन्हें एंट्री मिली है। इतनी लंबी क्यू थी एंट्री के लिए। सिर्फ पूरी फैमिली अभी यहाँ पे बैठ चुकी है, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। थक गए वो लोग काफ़ी, भीड़ काफ़ी थी ना अंदर घुसने के लिए। एंड देन ये जो मिडल पार्ट है यहाँ पे सब लोग आके डांस करते हैं। और मैं एक बार ये देखिए ऊपर से कैसा दिख रहा है यहाँ पे व्यू। बैकग्राउंड में सॉन्ग चालू है तो मैं फिर से यहाँ पे वॉइस ओवर दे रहा हूँ। यहाँ पे फिज़ा और शेजिन बता रहे हैं कि टिकट इन्हें नहीं मिल रही है, राइड्स की कोई भी राइड्स की टिकट नहीं मिल रही है। बहुत बड़ी क्यू है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्यू है, तो इन लोग रिटर्न आ गए परेशान होके। तो यही बातें चल रही है यहाँ पे। ये मिडल सर्कल है ना, यहाँ पे अभी सॉन्ग चल रहा है स्पीकर पे जोर जोर से और बच्चे आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं बच्चे लोग। अभी हम लोग मिडल सर्कल में जा रहे हैं थोड़ा इंजॉय करने। एंड आप देख सकते हो मैंने शास को यहाँ पे लिया है, मैं उसके साथ खेल रहा हूँ और अभी मैं उसे राउंड राउंड घुमाऊँगा। और पीछे का जो बैकग्राउंड है ना वो बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है, सीनरी जो आप देख रहे हो सनसेट के साथ बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। ये फिजू इधर खड़ी है। हाँ हाँ इधर ही खड़े रहे, हम लोग ऊपर जा रहे हैं। क्या यार किधर से? दुबई से। ये दुबई से देख के आई है। अरे बुर्ज खलीफा क्या महीने में एक बार जाते लगता है तुम लोग की ट्रिप होती है? महीने में तो नहीं आता, इतना तो पैसे नहीं है, लेकिन 6 महीने में एक बार जाते हैं। ओ 6 महीने में एक बार इन लोग दुबई जाते गाइस। अरे बाप। फिर थोड़ी देर में यहाँ पे फोटो शो स्टार्ट होने वाला है। रश देखिए कितनी है, सब लोग आके अपनी अपनी सीट पकड़ चुके हैं। यहाँ पे फाइनली हमें सीट मिल चुकी है, लेकिन यहाँ पे बैठे नहीं। स्टार्ट हो गया, शो चालू हो गया। सो फ्रेंड्स यहाँ पे वोटो शो स्टार्ट हो चुका है और पूरी पब्लिक ये शो को एंजॉय कर रही है। बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है, बॉलीवुड सॉन्ग, और जो सॉन्ग्स के बीट्स हैं ना वो बीट्स पे ये जो शोवर्स है ये अप डाउन होते हैं, ये देखिए। और बहुत ब्यूटीफुल लगता है जब ये शोवर्स जो है बीट पे घूमते इधर उधर लेफ्ट राइट। वैसे तो मैंने ये पूरा वोटर शो रिकॉर्ड किया है, बट अगर मैं इसे व्लॉग में डाल दूँ तो ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएंगी। अराउंड मेरे ख्याल से 20 हाफ एन आवर का वोटर शो था, तो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट जहाँ पर ये मूवमेंट होते हैं शोवर के, वोटर शो के मेन मेन मूवमेंट है वो मैंने कैप्चर किया है। तो अभी मैं इसे प्ले कर रहा हूँ, आप देखिए। अभी देखते हैं और कोई प्लेस एक्सप्लोर करते हैं यहाँ से। भीड़ देखें कितनी भीड़ है यहाँ पे। फ्रेंड्स वाटर शो के लिए ज़रूर आना मैं ये बताऊँगा, बट देखते हैं आगे क्या और हम लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। और सब लोग जा रहे हैं यहाँ से, वाटर शो ख़त्म हो चुका है।
मैं भी हाफ ब्रेक लिए थोड़ा, उसके बाद फिर से स्टार्ट होएगा। बट हमने जो देखा है वो इनफ है हमारे लिए, तभी हम लोग और भी चीज़ें एक्सप्लोर करने निकल चुके हैं यहाँ से। देखो कितनी भीड़ है यहाँ पे, पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी, बट देखते हैं। सब जगह पूरा पब्लिक ही पब्लिक है। सैटरडे संडे आना ही नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल मत आना यहाँ पे, देखिए कितना भीड़ है। मंडे है, ट्यूसडे है, मेरे ख्याल से ट्यूसडे बेस्ट डे रहेगा एंड मंडे। अम्मी की हालत डाउन होते हुए, उनको ना कमर में प्रॉब्लम है तो ज़्यादा चल नहीं पाते, चलते तो कमर दुखती है उनकी। अच्छे लोग तो अंदर जा रहे हैं यहाँ पे, वाह मस्त है। हम लोग शम्स को अंदर नहीं भेज रहे बिकॉज है ना यहाँ पे काफ़ी फिसलन है, फिसल जाएगा तो उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे। दूसरे कपड़े भी नहीं लेके आए, हमें पता नहीं था ये सब, नहीं तो और एक जोड़ी कपड़े लेके आते उसके लिए। अभी आगे देखते हैं आगे क्या मिलता है। ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, भागो भागो। जल्दी कर जाओ, जल्दी आ जाओ। कोई स्टेशन है यहाँ पे, ये गार्ड है यहाँ पे ट्रेन आने के लिए। अभी देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे पीने के पानी के लिए लाइन लगी हुई है। यहाँ पे वॉशरूम है लेफ्ट साइड में, मैं बता नहीं, देखो वॉशरूम है फ्रेंड्स, तो वॉशरूम अवेलेबल है यहाँ पे। जो अलग अलग टाइप के स्लाइड्स है वो देखिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत कुछ। और ये है आसमानी झूला। अरे बच्चों के खेलने के लिए चीज़ है, राइट से थोड़ी बहुत। ट्रायल कर रहे, शायद ये ख़राब हो गई थी, इसकी टिकट बंद हो चुकी थी। ओके और यहाँ पे ना वो सीसो टाइप भी स्लाइड है, देखिए वहाँ पे येलो कलर में दिख रही है आपको, सीसो टाइप भी स्लाइड है यहाँ पे। ये टॉय ट्रेन जा रही है वहाँ से, पूरे गार्डन के राउंड घूमती है यहाँ पे टॉय ट्रेन। जाना तो था बट क्यू यहाँ पे इतनी है ना कि मुझे नहीं लगता कि जाना हो पाएगा। ये देखिए क्यू, देखिए यहाँ पे ये भी राइड है एंड आगे सीसो वाली है, ये स्प्रिंग वाली राइड। तो ये मैंने आपको एक्सप्लोर करा दिया, देखता हूँ नेक्स्ट क्या है यहाँ पे अवेलेबल, जो चीज़ हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने सुना सेवन वंडर्स भी है यहाँ पे, लेकिन देखना पड़ेगा कि किस तरफ है। फिलहाल तो पहले मैं मेरी फैमिली को ढूंढता हूँ कि वो लोग किधर गायब हो गए। तो मुझे इन लोग मिल गए फाइनली, पता नहीं किधर घूम रहे थे। डक डक थे वहाँ पे, किधर थे तुम लोग, किधर घूम हो गए थे? बस हाँ टिकट मिलेगी, लेकिन वहाँ पे ना लंबी क्यू है, देखो वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ नहीं हम लोग नहीं जाएंगे आपके, सब बोले थे कि राइड्स में घूमेंगे, लेकिन देखो इतनी क्यू है कि घूम ही नहीं सकते। राइड में नंबर लगाएंगे तो एक घंटा तो सिर्फ नंबर आने में जाएगा। सब लोग परेशान हो गए बिकॉज एक भी राइड में बैठने नहीं मिल रहा है, सब परेशान हो गए, सब जगह लंबी क्यू है फ्रेंड। अभी इशरत, फिजा, शहजीन इन लोग ट्राई कर रहे हैं कि टिकट लेने की, बट मुझे नहीं लगता मिलने वाली है, देखते क्या हालचाल है। और इन लोग रिटर्न ही आने वाले, ये मैं श्योर हूँ, फॉर श्योर हूँ। इशरत मुझे दिख गया, पूछता हूँ टिकट का क्या हाल है, टिकट मिली उन लोग को आसमानी झूले की? क्या हुआ क्या हुआ, टिकट मिली क्या, क्या हुआ टिकट मिली क्या? नहीं टिकट नहीं मिल सकती है, क्या हुआ, इधर गए थे आप लोग पूछने? मैं तो
कुछ तो करो। क्या हुआ, टिकट मिली क्या नहीं आसमानी झूले की? झूला तो झूल ही नहीं रहा है। क्या बोल रहे हो, पूछा ही नहीं आप लोग ने? जब ये पूछने गए थे इनको टिकट नहीं मिली, मिली क्या? पूछा ही नहीं तो मिलेंगी कहाँ से? पता चला है फ्रेंड्स के टिकट आपको जो एंट्रेंस है ना वहाँ पे ही मिलती है, और 6 बजे तक ही टिकट दे रहे थे, अभी बज गए 7:36 और अभी टिकट नहीं दे रहे क्योंकि इतनी क्यू है यहाँ पे, इतनी भीड़ है, ये आंटी ने बताया। हाँ तो अभी पता चला आगे कुछ है, ताजमहल है और पता नहीं क्या क्या है, तो देखते आगे क्या है। तो राइड है, सब जगह क्यू है और काफ़ी ज़्यादा क्यू है। कैमरा ज़्यादा हिल रहा है तो उसके लिए आई एम सॉरी, बिकॉज मेरे पास गिम्बल तो नहीं है और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा कैमरा ना हिले। ये देखिए वो राइट पे देखो, ताजमहल की कॉपी है, मिनी कॉपी। ताजमहल और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। एंड ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है यहाँ पे, ये देखिए ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसका स्ट्रक्चर है और सब चीज़ का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है, पढ़ सकते हो यहाँ से। यहाँ पे ये पेट्रा, ये ग्रीक का था, मुझे लगा ही था इसको देखते हुए, एंड ये भी ग्रीक का ही लग रहा है मुझे कुछ। ये देख कोलेसियम, चलो मैं पढ़ सकता हूँ यहाँ से, एंड ये वो चीज़ है। पिरामिड भी है फ्रेंड्स यहाँ पे, इजिप्ट का पिरामिड। ये है पिरामिड फ्रेंड्स, एंड इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता ये क्या चीज़ है, बट पढ़ लेते हैं इसके बारे में, रीड आउट कर लेते हैं। माचू पीछू है क्या मालूम, पढ़ लेना फ्रेंड्स, माचू पीछू है तो पहली बार ऐसा नाम सुन रहा हूँ, माचू पीछू। टिकट फ्रेंड्स सैटरडे संडे 6 बजे का नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यू होता है। ये रिसेंटली ओपन हुआ है, कोविड से बंद था ये, इसी वजह से ना इतनी यहाँ पे रश है, रश बहुत है फ्रेंड्स, रश बहुत है। बस हमें अच्छी तरीके से तो इसे बताने नहीं मिला बिकॉज रश के टाइम पे हम लोग आ गए और ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, गार्डन तो अच्छा है बट इतनी रश है ना यहाँ पे, रश इतना है, देखो पब्लिक पे पब्लिक है यहाँ पे, तो रश अभी तक देखो राइट पे कितना रश है। लोगों ने ना यहाँ पे टिकट ले चुके हैं, अब टिकट लेने के बाद 4 बजे से टिकट मिले ली है, वो आंटी मिले थे मुझे, वो बता रहे टिकट लेने के बाद क्यू इतना है, इतना ज़्यादा क्यू है कि उनको वह राइड करने नहीं मिल रही है। फ्रेंड मुझे ना जाते जाते ये दिख गया, पता नहीं क्या है, मंकी है क्या चीज़ है, देखते हैं फ्रेंड से देखते हैं इसका अभी। छोटा भी मैं, छोटा भी मैं शम्स बता रहा है। एग्जिट के लिए भी फ्रेंड्स देखो कितनी रश है, अभी हम लोग एग्जिट लेने का सोच रहे हैं यहाँ से बट एग्जिट भी नहीं कर पा रहे, इतनी रश है यहाँ पे। सोचिए थोड़ा रश कम होगा ना जब एग्जिट करेंगे यहाँ से, अभी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। रश देखो, चलो आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ। अभी ये बोल रहे कि पार्क बंद हो रहा है, हम लोग भी निकल रहे, 8 बजे पार्क बंद हो जाता है। कोशिश तो चल रही है, क्यू में स्ट्रेट हो जाता हूँ मैं लाइन पे, मोबाइल टाइट पकड़ा हूँ मैंने बिकॉज सिग्नल है। चलो एक दीवार पकड़ के निकलो। क्या हुआ, आराम से एकदम भीड़। ये चम सब गया, इधर आ चम सब गया। ये देखिए बाहर का रश देखिए, एंड हम लोग बाहर आ चुके हैं, हमने एग्जिट ले ली फाइनली। ओह बापू बाप रे बाप, रश देखो रश। कैसा एक्सपीरियंस रहा, वर्स्ट एकदम, क्यों क्यों वर्स्ट क्यों? खाने ना पीने कुछ नहीं, आपको लंबी कतार में
खड़े रहना पड़ेगा। जब आप पीछे जाएंगे पीछे अगर आपको लाइन में रहना इतना पसंद है मैं रहना पसंद। और खाने के लिए भी फ्रेंड्स कुछ नहीं मिला यहाँ पे, कुछ भी नहीं मिला। के लिए जो डबल ट्रिपल लाइन है उससे तो आजकल इंसान भूख को खा जाए। सो फाइनल जो हमारा एक्सपीरियंस है यही है कि सैटरडे संडे फ्राइडे तो आना ही मत, मंडे ट्यूसडे पकड़ के आना, वो भी मॉर्निंग में। सेकेंड खाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, तो खाना कैरी कर लेना, पानी भी नहीं है, पानी भी कैरी कर लेना, पानी मैंने बाहर से लेके आया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अवेलेबल है बट वड़ा पाव नहीं मिला, भजिए है फिर हम लोग आगे जा रहे, और इधर भेल मिल गई। तो खाने के लिए कुछ मिल गया फ्रेंड्स, बस ढूंढना पड़ा है। तो चाइनीज़ भेल अवेलेबल है, फाइनली वड़ा पाव मिल गया। और देखो इशरत लाइन में खड़ी वड़ा पाव के लिए, इतनी भीड़ आंटी के पास। तो देखते हैं हमें वड़ा पाव मिल पाता है क्या नहीं। तो वड़ा पाव ख़त्म हो गया और ये देखिए सब लोग जा रहे हैं रिटर्न। बड़ी उम्मीद से आते वड़ा पाव मिलेगा, जा रहा हूँ मैं भूखा यहाँ से घर पे। घोड़ा गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। इनका प्राइस मैंने ठाणे में पूछा था एक बार 300 बोले थे एक राउंड का, यहाँ पे भी एटलीस्ट उतना ही रहेगा मुझे लगता है। सो देखिए भेल भी नहीं मिली, इनका कांदा खत्म हो गया। चलो फिर घर पे आके अपने अपने घर पे आके नूडल्स ऑर्डर कर दो, निकलो यहाँ से। तो ये भाई ने कांदा मंगा है। एक कांदा लाने के लिए 15 मिनट लगेगा। सो ये भेल वाले भैया हमारे पास आ चुके हैं कांदा लेके। ये देखिए भेल वाले भैया के साथ एक सेल्फी हो जाए। भेल वाले भैया। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं ये व्लॉग यहाँ एंड कर रहा हूँ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमें सपोर्ट करें। सो इशरत मैं व्लॉग एंड कर रहा हूँ यहाँ पे।